यूपी के जनपद सोनभद्र में नौ निहालों का जीवन खतरे में है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जनपद सोनभद्र के मौत के साए में नौ निहाल जी रहे हैं। जनपद में गवर्नमेंट हाई स्कूल या प्राइवेट स्कूल हाई टेंशन तार की चपेट में है। हाई टेंशन तार या तो विद्यालय के ऊपर से है या विद्यालय कैंपस के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 4,40,000 वोल्ट की लाइन से लेकर 11,000 वोल्ट की लाइन तक के तार विद्यालय को अपने आगोश में लिए हुए हैं। फिर भी ना तो बिजली विभाग और ना ही शिक्षा विभाग इस बात को लेकर गंभीर है कि किसी बड़ी दुर्घटना होने पर यह नौनिहाल का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। स्कूल के प्रबंधक बता रहे हैं कि अधिकारियों को कई बार लिखित रूप से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन फिर भी विभाग गूंगा और बहरा बना हुआ है। जनपद के चौपान ब्लॉक और रावर्सगंज ब्लॉक के कई ऐसे विद्यालय कैमरे में कैद हुए हैं जिनको साफ तौर पर देखा जा सकता है। घटना किसी को बताकर या पूर्व अनुमान से नहीं आती। सूबे के बलरामपुर में ऐसी ही एक घटना में कई बच्चों को अपने आगोश में लिया है, लेकिन फिर भी जिले में विभाग अभी तक सो रहा है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्युत विभाग को पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। बता दें चले कि जनपद सोनभद्र के विडमगंज थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले प्राथमिक विद्यालय मदनी खाड़ में पढ़ने वाला छात्र नीरज बिजली की तार की चपेट में आया था। इन्फेक्शन होने की वजह से चिकित्सकों ने एक हाथ और एक पैर निकाल दिया है। उस घटना में भी बिजली विभाग शिक्षा विभाग दोनों उदासीन रवैया अपनाए रहे, जबकि मीडिया ने इस गरीब परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही थी। मैडम, क्या नाम है आपका? कमला देवी। आप यहाँ कब से हैं? 2015 से। कौन सा विद्यालय है ये? पूर्व माध्यमिक विद्यालय सजोर, रावसन में आता है, रावसन ब्लॉक। मैडम, आपके विद्यालय में हाई टेंशन वायर गया हुआ, सब बोर्ड बिगड़ा हुआ है, इससे शिकायत आपने कभी अधिकारियों से नहीं की? हमने शिकायत कभी नहीं किया। इसके पहले जो भवन प्रभारी रहे, जो भवन बनवाए हैं, उन्होंने शिकायत किया। इसके बाद पोल गड़वाए विद्यालय परिसर में और उस तार को ऊपर करवा करके तब भवन बनवाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानकों की अनदेखी मानती हैं कि विद्यालय परिसर के अंदर ही पोल गड़ा हुआ है बिजली का? हाँ, अनदेखी तो है ही मानक की। कोई घटना कभी दुर्घटना हो ही सकती है। एक बार टूटा था इसका तार पीछे, इसी कैंपस में पीछे जो है टूट के गिरा था तार। हमने तुरंत उस समय भवन प्रभारी को फ़ोन किए, उनकी पत्नी ग्राम प्रधान थी, जो भवन प्रभारी विद्यालय के थे उनकी पत्नी ग्राम प्रधान थी, उनको हम तुरंत फ़ोन किए। फिर उन्होंने लाइनमैन को फ़ोन किया, लाइनमैन आया, फिर उसको तुरंत ठीक किया, आधा घंटे के अंदर में हो गया सही। क्या लगता है कहीं दुर्घटना हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है दुर्घटना। तो ऐसे में क्या बचाव करेंगे विद्यालय बच्चों के लिए, क्या प्रयास करेंगे अपने स्तर से? अब अपने स्तर से हम इस समय क्या प्रयास करने के लिए बताएं? अब इस समय हम क्या प्रयास ऐसे कर सकते हैं? पहले शिकायत इससे उच्च अधिकारी को करेंगे अपने। अब इसकी लिखित शिकायत करने से क्या फ़ायदा होगा? जब पहले से ही है तो भवन बनना ही नहीं चाहिए था, यहाँ गलत तरीके से भवन ही बन गया। आप बता रही हैं 6 साल से हैं, तो आपने अभी तक एक भी शिकायत नहीं की? नहीं, हमने तो कोई नहीं शिकायत किया। तो बच्चे आपके विद्यालय में कितने पढ़ते हैं? बच्चे इस समय 84 बच्चे हैं। इनकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। सर, ऐसा देखने में आ रहा है कि कई विद्यालय जो है हाई टेंशन तारों के नीचे हैं, इससे खतरा बना रहता है, और अभी तारगंज में विद्यालय में करंट उतरने की योजना थी, तो सर क्या इनके लिए निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे विद्यालय जो हाई टेंशन के नीचे हैं? देखिए, इसके बचाव के लिए एक तो विद्युत विभाग प्रयासरत है, कुछ विद्यालयों की सूची उनको जैसा जैसा दिखा जाता है तो कई जगह उन्होंने कार्रवाई भी की है, हटाया भी है। दूसरी चीज़, इसके संदर्भ में एक डीएम साहब से मैंने ये अवगत कराया था मार्च महीने में, तो डीएम साहब ने कहा था कि मेरे तरफ से एक पत्र भिजवा दिया जाए विभाग को, अधिकारी महोदय की तरफ से एक पत्र गया भी है, और विद्युत विभाग अन्य कार्यों में व्यस्तता के बावजूद भी इस पर मैं अपेक्षा रखता हूँ कि जल्द से जल्द जहाँ भी इस तरह के खतरे की आशंका हो उसको हटा दें, और ऐसे विद्यालय जहाँ पे खतरे की आशंका है ऐसे विद्यालयों की सूची भी ब्लॉकों से हमने मंगाई हुई है, तो फिर इस पर पत्राचार किया जाएगा विद्युत विभाग से कि वहाँ सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जहाँ पर विद्युत तार जा रहे हैं वहाँ पर नीचे जाली टाइप में लगा दिया जाए ताकि कोई असुरक्षा न हो, मतलब असुरक्षा की स्थिति न बने। कब तक ऐसे कार्रवाई हो जाएगी जहाँ इस तरह खतरा है, क्या कब तक कार्रवाई हो जाएगी?
पत्राचार विभाग से किया गया है, यथासंभव विभाग से फिर अनुरोधात्मक पत्र भेजा जा रहा है कि वो जहाँ पे इस तरीके की दिक्कत हो, स्टेक हो या विद्युत खंभे हो या वहाँ से हाई टेंशन तार जा रहे हों, तो एक सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करवा दी जाए, एक अनुरोधात्मक पत्र फिर से भेजा जाएगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम अवतार सिंह चंद। ये कौन सा विद्यालय है आपका? ये सोनी मॉन्टेसरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त। आपके विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन वायर गया है? हाँ। आपने इससे शिकायत नहीं की विद्यालय में? नहीं, इसके लिए तो मैंने बहुत पहले से जो है कि 2010 में भी मैंने जो है कि यहाँ पर जब बसपा की पूर्व भवन की सरकार थी, सत्यनारायण जैसा सदर विधायक को मैंने लेटर लिख करके उनके द्वारा लेकर बैठ पर लिखवा करके मैंने एक सी एम के पास गया, आश्वासन देते रहे जो है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2012 में बसपा के सुनील विधायक ओबरा से रहे सपा शासन में, उनके भी लेटर पैड को मैंने लिखवा करके ले जा करके दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर बीच में एक बार मकानों पर बगल में तार गिर गया था, साइड में टीवी बिजली का पंखा शॉर्ट कर गया था, तो रोड जाम कराया गया, तो एक सी एम जो है कि अशोक को फ़ोन किए, अशोक आए तो जाम वाम हटवाए, जो है आश्वासन दिए कि तार हटवा दिया जाएगा जल्द मकानों के ऊपर से, क्योंकि यहाँ एक घर मेरा विद्यालय की बात नहीं है, यहाँ करीब करीब सैकड़ों लोग ऐसे हर परिवार के साथ जो निवास करते हैं, यहाँ से लेकर के अवनी तालाब तक जो है कि पूरे मकान बने हुए हैं, सल्फन फासिस पार्क मोड़ से लेकर के अवनी तालाब तक पूरे मकान के ऊपर से तार फैला हुआ है। किन किन अधिकारियों को आपने लिखित में शिकायत किया है? मैं तो विशेष करके बिजली विभाग को ही मैं इसकी जानकारी दिया हूँ, शिकायत किया हूँ, एक्सीएल से लेकर के जेई तक जो है कि सारे लोगों को, लाइन मैन जेई एक्सीएल सारे लोगों को मैंने। क्या मानते हैं विभाग इसको लेकर कभी गंभीर नहीं हुआ? विद्यालय एक लाइन में टाल, वो विभाग एक लाइन में टाल मटोल कर देता है कि आपका विद्यालय बाद में बना है, हमारा तार पहले से है जो है। क्या लगता है, पहले तार था या पहले आपका विद्यालय था? नहीं, पहले तार तो बहुत 500 साल से पुराना है, तार चूँकि इसकी लाइफ भी समाप्त हो चुकी है, तार जगह जगह सब हो चुके हैं जो है, कब कहाँ टूट जाएगा कोई इसका वो नहीं है। पहले यहाँ बहुत खाई थी, अब मकान बनते गए पड़ता गया, तार की हाइट कम हो गई और पुराने तार हो गए। इस चीज़ को जे एक्सियन ने एक्सेप्ट किया, कहा कि तार हमारे पुराने हो गए हैं, बदलने लायक हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी उन्होंने न बदलवाया, न तो अंडरग्राउंड किया, न ही आगे पीछे किया कहीं। क्या लगता है विभाग किसी घटना का इंतजार कर रहा है? हमें तो यही लग रहा है, एक बार ऐसा हुआ जो है तो विभाग आया नहीं डर के मारे, जब तार टीवी शॉर्ट हो गई बगल में तो विभाग को फोन किया गया, विभाग डर के मारे नहीं आया यहाँ पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।